नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, उत्तर प्रदेश सरकार की काबीना मंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी के पास न्याय एवं विधि के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विभाग भी हैं। छात्र राजनीति से अपनी पारी शुरू करने वाले ब्रजेश पाठक जी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी ब्रजेश पाठक जी से आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके ब्रजेश पाठक ने सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत हरदोई के मल्लावा विधानसभा सीट से की। इसके बाद उन्होंने उन्नाव को राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और लखनऊ पहुंच गए। 2017 में लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कांग्रेस और बीएसपी से होकर वो बीजेपी में आए हैं। मायावती सरकार में उनकी पत्नी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। 53 साल के ब्रजेश पाठक ने स्टूडेंट यूनियन से सियासत की शुरुआत की। 1989 में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और 1990 में अध्यक्ष बने। इसके 12 साल बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2002 में हरदोई की मल्लावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन 130 वोट से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से करीब 18,000 वोट से जीत दर्ज कर सांसद चुने गए। ब्रजेश पाठक को मायावती ने अपने दल का उपनेता सदन बना दिया। 2009 लोकसभा चुनाव के एन पहले बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें राज्यसभा भेजा और सदन में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया। 2014 में ब्रजेश पाठक फिर उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। मायावती के करीबी माने जाने वाले ब्रजेश पाठक ने सूबे में सत्ता परिवर्तन की हवा भांप 22 अगस्त 2016 को बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लखनऊ मध्य सीट से एसपी के दिग्गज रविदास मेहरोत्रा को हराया। अभी आपने देखा ब्रजेश पाठक जी का पूरा राजनीतिक जीवन। ब्रजेश जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, कांग्रेस से आपने पारी शुरू की, बसपा और अब भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, जहां भी रहे आप अच्छे पद पर रहे, एक अलग आपका व्यक्तित्व रहा, कैसे पूरा राजनीतिक सफर? दरअसल ये बात इमरजेंसी के बाद यूनिवर्सिटी में चुनाव के प्रारंभ होने की है। 1986 में इमरजेंसी के बाद पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव घोषित हुआ था। उस समय मैं विधि द्वितीय वर्ष का छात्र था। सभी छात्रों के मन में जिज्ञासा थी कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगा, तो हम लोगों ने भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया किसी मित्र को चुनाव लड़ा करके। उसके तत्काल बाद 1987 में चुनाव हुआ तो यह तय हुआ था कि हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना, किसी मित्र को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जिसको हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे, एक दिन चुनाव प्रचार किया और शाम को जब घर वो पहुँचे तो उनके पिताजी ने, माताजी ने उनको काफ़ी समझाया और डांटा, कहा कि ये कहाँ चक्कर में पड़े हो, चुनाव लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। और फिर बारी हमको मिली कि अब वो नहीं लड़ रहे तो अब तुम ही को लड़ना है। तो पहला चुनाव 1987 में छात्र संघ में विधि प्रतिनिधि के रूप में मैंने लड़ा और मैंने चुनाव जीता। उसके बाद जब विधि प्रतिनिधि हो गए तो फिर लगातार एक छात्रों का हुजूम, उनके बीच में जाना, रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, तो कंटिन्यूस 1987 से फिर अगला चुनाव हुआ 1989 में, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष पद पर सभी छात्रों ने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं विजयी घोषित हुआ। उसके बाद 1990 में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा और मैं विजयी घोषित हुआ। पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों का बहुत बड़ा मूवमेंट प्रारंभ हुआ। तो हम सभी छात्रों ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने पदाधिकारी थे, पूर्व पदाधिकारी थे, सब लोगों ने मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा किया। लखनऊ के साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, उस समय हमारे ज़माने में 22 विश्वविद्यालय होते थे जो गवर्नमेंट से मतलब एडेड थे या गवर्नमेंट के थे, सभी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग गए, सभी से संपर्क किया। एक बहुत बड़ा छात्र युवा सम्मेलन लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के सभागार में हुआ और उसमें तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो छात्रों की समस्याएँ हैं, चाहे प्रवेश को लेकर या उनके बुनियादी हितों को लेकर, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। बचपन की शिक्षा दीक्षा आपकी हरदोई से हुई? बचपन की शिक्षा दीक्षा मेरी हरदोई के गांव में, मल्लावा में, गंगारामपुर में हुई। और हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, घर से बैठने का साधन ले जाना पड़ता था, जिसको बोरा या फट्टा बोलते थे गाँव में, और लकड़ी की पार्टी पर हम लोग पढ़ते थे।
और स्कूल जाने से पहले स्कूल की सफाई करना भी बच्चों की जिम्मेदारी थी और हेडमास्टर की साइकिल को भी उसके रिम को उसके टायर को उसकी गद्दी को साफ करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की होती थी और स्कूल में सफाई के बाद झाड़ू लगाने के बाद हम लोग पास के तालाब से 2 बाल्टी पानी लाते थे और एक उसमें हौज में डालते थे उसी से खड़िया और स्याही को हम लोग पट्टी घोर के और मैं लिखते थे घोल के लिखते थे और धीरे धीरे करके कक्षा 5 तक हम लोगों ने प्राइमरी पाठशाला गंगारामपुर में अध्ययन किया फिर कक्षा 6, 7, 8 हमने मल्लावा के गंगा बी एन इंटर कॉलेज में अध्ययन किया फिर 9, 10, 11, 12 हमने उन्नाव जनपद में बांगरमो कस्बे में पढ़ाई की कॉमर्स के विद्यार्थी हम रहे कक्षा 9 के बाद और कक्षा 12 पास करने के बाद 1980 के बाद हम लखनऊ आए और मेरा प्रवेश विद्यांत हिंदू डिग्री कॉलेज अमीनाबाद में हुआ जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व अभी कर रहा हूँ। विजय जी, छात्र राजनीति से आप जुड़े रहे, छात्र राजनीति का जो आपके दौर में जो स्तर हुआ करता था, संघर्ष की राजनीति हुआ करती थी। पहले लोग स्कूल जो स्टूडेंट जाते थे बहुत ढेर सारे छात्रों का एक वर्ग ऐसा था जो अध्ययन के साथ साथ देश और समाज के बारे में सोचता था। अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली हैं और लोगों में ये लगने लगा कि अगर हम अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो जो हमारी पढ़ाई है ये जॉब ओरिएंटेड हो गई। पहले पढ़ाई जॉब ओरिएंटेड नहीं होती थी, पहले देश और समाज के लिए पढ़ते थे। ढेर सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई में रहते थे, उस समय भी आईएएस होते थे, आईपीएस होते थे, पीसीएस होते थे, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे, पत्रकार होते थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टीचर होते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो क्या लगता है कि छात्र राजनीति जिस तरह एक भटकाव की स्थिति में है? भटकाव की स्थिति तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी जो छात्र और नौजवान हैं उनकी विचारधारा अलग है, उसको व्यक्त करने का माध्यम बदल चुका है। पहले व्यक्त करने के लिए हम लोग मंच लगाते थे, हमें याद है कैसे ऑफिस पे खड़े हो जाते थे, वो करीब 10 फुट ऊंची 12 फुट ऊंची छत रही और उस पर खड़े होकर के बगैर माइक के हम लोग भाषण देते थे, तो 100, 200, 500 स्टूडेंट सुनते थे हम लोगों की बातों को, उसके बाद पूरे लखनऊ में प्रदेश में बातें फैलती थी। छात्र राजनीति से जो निकल कर व्यक्ति राजनीति में आता है, जैसे आप राजनीति में आए तो हमने देखा उसका व्यवहारिक स्तर, उसका मिलनसार व्यक्तित्व, वो मुझे लगता है प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं जो सोशल मीडिया और आप व्यक्तिगत रूप से। रमेश जी एकदम सही कह रहे हैं, दरअसल हम लोगों को एक तरीके से ये आप मान ही चलिए, किसी स्कूल में पढ़ाया गया तो गया ही, साथ में हमें काढ़ा भी गया। जैसे किसान जब खेत में जाता है तो नए बैल को उस पर हल रख करके धीरे धीरे चलाता है, फिर और वजन देता है, फिर और वजन देता है, तो हमें याद है अच्छी तरह से, हम 1987 में पहला चुनाव लड़े थे, आज 1987 को हम गिने तो लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। इन 30 वर्षों से पहले भी हमने कहीं न कहीं योगदान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किया, 1 साल पहले 2 साल पहले से, तो लोगों ने हमें जाना, फिर हम धीरे धीरे कर चुनाव जीत पाए। आपको नहीं लगता कि जब आप छात्र राजनीति कर रहे हैं वहाँ आपने बहुत कुछ सीखा, आज उसी का फल है कि अब आप जब आप राजनीति में गए तो उसका फ़ायदा मिला? जो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीखा अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ हूँ। शासन के चुनाव को बीच बीच में रोक दिया जाता है, आपको लगता है कि शासन के चुनाव नियमित होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शासन चुनाव नियमित होना चाहिए, इस संबंध में चर्चा भी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सत्र से रेगुलर शासन चुनाव होंगे। विजय जी, आपके पास विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, कौन कौन से ऐसे काम अभी तक आपने किए जिससे माने कि काफ़ी बदलाव आया? रमेश जी, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश के विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की लंबी संख्या से थी। हमारे पास 30 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं विभिन्न अदालतों में। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले हम लोगों को निर्देश दिए कि इन मुकदमों की संख्या को कम किया जाए जिससे त्वरित न्याय मिल सके उन वादकारियों को जिन्होंने विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं। अगर उन लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिला तो अन्याय के बराबर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया और कि विभिन्न न्यायालयों में जो जजों की संख्या है उनको बढ़ाया जाएगा। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 नए पद हम लोगों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए हैं, 100 नए पद सिविल जज सीनियर डिवीजन के सृजित किए हैं और हमने 300 पद सिविल जज जूनियर डिवीजन के अतिरिक्त सृजित किए हैं। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री हैं न्याय विभाग के। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रजेश जी, भेदभाव रहित न्याय कैसे दिलाएंगे आप प्रदेश में, जो हमेशा आरोप लगता रहा है? असल हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं चलता। अगर कोई गलत संवैधानिक दृष्टि से या कानून की दृष्टि से गलत निर्णय है तो न्यायपालिका बराबर उसमें हस्तक्षेप करती है और हम सब न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। जो आपने बात कही कि अभी और जज नियुक्ति कर रहे हैं लेकिन संसाधन आपके पास नहीं, भवन नहीं है, जजों को बैठने के लिए अच्छे कमरे नहीं हैं,
तो ये सब कैसे होगा? आपको पता है कि हमारे उच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग बनी, लखनऊ उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है, आप जाकर देखेंगे, देश में किसी भी उच्च न्यायालय की इस तरीके की बिल्डिंग नहीं, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। और मैं आपको बताने में खुशी होगी, हमारे कम से कम 15 से 20 नए न्यायालयों का बिल्डिंग बन रही है या बनने की प्रक्रिया में है, और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लगातार ध्यान दे रहे हैं, वहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो भी माननीय न्यायालय हमसे कहेगा उसको हम पूरा करेंगे। कई जगह से देखा गया कि न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनके कमरों की स्थिति बड़ी जर्जर है, बड़ी स्थिति खराब है, तब जब जजी अच्छी स्थिति में नहीं बैठेगा तो न्याय। रमेश जी, हमारे संज्ञान में नहीं है, आप कह रहे हो कोई विशेष न्यायालय मुझे बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, जहाँ भी दिक्कतें उसको हम लोग दूर करेंगे अपने संसाधन। एक बड़ी समस्या रहती है जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स की भूमिका को लेकर बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में, तो कैसे इन जो वकीलों का आचरण है, जो सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा आचरण सामने आता है जो कहीं ना कहीं कलंकित करता है पूरे प्रदेश। जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट्स अधिनियम के तहत अपना काम करते हैं, बार काउंसिल हैं, उनको नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उन पर हम उनको राय दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग जनता के हित में हम सब लोग काम करें। लेकिन जो हमारे सरकारी अधिवक्ता हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार अपॉइंट करती है, जिस दिन मैंने शपथ ली उसके तीसरे दिन ही सभी सरकारी अधिवक्ताओं को, जो DGC हैं, ADGC हैं, विभिन्न पदों पर सभी जनपदों में काम कर रहे हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन हमने बुलाया लखनऊ में, और सभी से कहा कि आप लोग उसी ढंग से तैयारी करके जाएं जैसे प्राइवेट एक वकील तैयार करके जाता है। विधि के जो कॉलेज खुले हैं, नए कॉलेज खुले हैं, अक्सर ये पूरे प्रदेश में सुनना आता है कि काफ़ी नकल हो रही है वहाँ, और जब वकीली नकल करके पास होके आएगा तो क्या मुकदमों की परेशानी। जी, आप एकदम सही करें, पिछली सरकारों में जो हुआ वो काफ़ी चिंतनीय था। अब उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नकल न हो इस बात के लिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। कोई और ट्रांसपेरेंसी की ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही, चाहे रजिस्ट्रेशन में, चाहे उनका एडवोकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तमाम ऐसी चीज़ें। असल क्या है कि उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है, स्वयं की रेगुलेटरी बॉडी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हमारे एडवोकेट्स ही चलाते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो चलाते हैं, और उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होता, हम उनकी मदद के लिए रहते हैं, अगर वो हमसे कुछ मदद चाहेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है जब जब समय पर बात उठती रहेगी, न्याय में देरी, तो न्याय में देरी अभी भी 20-20 साल से पुराने मुकदमे पड़े हुए हैं लेकिन उनमें कोई निर्णय नहीं। न्याय में देरी जो हमारे न्यायालयों में माननीय न्यायाधीशों की घटती संख्या के कारण था, उसको हमने पूरा किया है, और जो भी देरी सरकार के तरफ से होनी चाहिए वो अब नहीं होने दी जाएगी, उसकी तरह हम चिंतित हैं, और किसी भी परिस्थिति में हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। एक बड़ा आरोप सरकार पर लगा जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि सरकारी नियुक्तियाँ जो हो रही हैं, सरकारी वकीलों की नियुक्तियाँ, उसमें क्या ऐसा कारण रहा कि जो ये सब विवाद, वो विवाद आपके सामने है, उस अभी एक दो दिन में आपको पटाक्षेप हो जाएगा। देखिए, आप राजनीति में आपने कांग्रेस से पारी शुरू की, फिर बसपा में आए, बसपा में भी बड़ा कद रहा आपका, तो क्या ऐसी स्थितियाँ रही जो आपको बसपा छोड़नी पड़े? असल बहुजन समाज पार्टी में जब मुझे लिया गया तो ये कहा गया था कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोग हैं, उनको इकट्ठा करके एक टीम खड़ी करनी है, नौजवानों की फौज खड़ी करनी है, और अपने समाज को जोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था को जन्म उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में देना है जो पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प होगा। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली, कांग्रेस तो खत्म हो गई लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई। बहुजन समाज पार्टी जिस व्यवस्था के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मनोकामना को, उनके मनोभावों को पूरा करने के लिए, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनी थी, उस उन उद्देश्यों से भटक गई। अभी भी काफ़ी कैस लगाया जाना ब्रजेश पाठक जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, विशेषकर ब्राह्मण नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी में कोई नहीं बचेगा क्योंकि वहाँ पर न नीति है न रीति है, केवल एक विषय है जो आप सबको पता है, किस लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। अभी भी तो मुझे ये सोचकर बड़ी चिंता लगती है, चुनाव बीत गया, अभी भी वहाँ से लगातार डिमांड जारी है, मैं नाम नहीं लूँगा किस बात की डिमांड जारी, आपको अच्छी तरह पता है, उन परिस्थितियों में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति वहाँ कैसे सर्वाइव कर सकता है। इसलिए मेरे मित्र जो भी हमसे संपर्क करेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। विजय जी, गठबंधन की बात हो रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन की बात नहीं करती थी, आज कहीं ना कहीं स्वर उठ रहे हैं कि वो गठबंधन में जा रही है, तो क्या लगता है कि वो गठबंधन में जाएगी या इसका कोई असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वो प्रतिशत इतना बढ़ चुका है कि विपक्षी दल अगर एक भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की, फिर भी कहीं ना कहीं किसानों के आत्महत्या की बात आ रही है, तो कहाँ कमी दिख रही है?
मैं रमेश जी आपको फिर स्पष्ट कर दूं, आत्महत्या की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार के पहले होती थी। अब हमारे किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय हमें नहीं लगता भारतीय इतिहास में कभी हुआ होगा। पहले किसानों के जो ऋण माफ़ हुए, उन किसानों के ऋण माफ़ हुए जिन्होंने ट्रैक्टर लिए थे, जिन्होंने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लिए थे, बड़े बड़े लोन लिए थे, ये पहली बार है। उन किसानों के ऋण माफ़ हुए जिन्होंने खाद, बिजली, पानी के लिए लोन लिया था, जिन्होंने फसली ऋण लिया था, फसल के लिए लोन लिया था। आप गांव परिवेश से आते हैं, लेकिन अभी भी गांव का युवा पलायन कर रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे सर? हमारा मानना है कि आप पलायन उसको कहते हैं जो हम भूखे पेट रहने के कारण घर को छोड़ दें और विचरण के लिए निकलना, देश में जाना, रोजगार के सिलसिले में जाना, हम इसको अच्छा मानते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम अपने घर को छोड़ करके कहीं अध्ययन के लिए जाते हैं या बेहतर सर्विस के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। हाँ, भूख के कारण, अपने कपड़े के कारण, अपनी दवाई के कारण, अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण घर को छोड़ता है तो पलायन है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने देगी। उनको घर में उनको पेट भर खाना मिले इसके इंतजाम सरकार करेगी, उसकी चिंता हम सबको है। क्या और भी कोई योजना है सरकार की जो और भी कोर्ट स्थापित की जाएं? गांव दूर दूर हैं, उनको दूर जाना पड़ता है, इससे न्याय उनको नहीं मिलता है। असल अभी सरकार ने केंद्र सरकार के राय लेकर के, केंद्र सरकार के निर्देश पर, उनकी सहमति से हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे विधि एवं न्याय मंत्रालय के हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी पिछले दिनों लखनऊ आए थे, तो उन्होंने टेली लॉ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। तो अब हम ऐसी व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं कि हम टेलीफोन के माध्यम से भी गरीबों को निःशुल्क न्याय देंगे। ये इस तरीके की स्थापना हम प्रत्येक गाँव में भी करेंगे। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्याय या इस तरीके की बातें चल रही? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्याय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में गहराई से चिंतन कर रही है और अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे गंभीर अपराध के जो अपराधी हैं उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत और जेल में लगा करके उनको अभी तारीखों का निर्णय कर रहे हैं। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ब्रजेश पाठक जी। पाठक जी, विधि विभाग में अक्सर देखा जाता है कि मुकदमों में पैरवी न होने के कारण सरकार का पक्ष कमजोर होता है और लोग जीत जाते हैं। पूर्व में मैंने बताया आपको, सरकार पूरी तरह से सतर्क है और शपथ लेने के तुरंत बाद तीसरे दिन हमने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वकीलों को बुलाया, उनकी मीटिंग की, उनसे तय कराया कि हम सब लोग उसी ढंग से तैयारी करेंगे जैसे प्राइवेट वकील तैयारी करके आता है। सरकार की तरफ से मुकदमों में पैरवी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। सरकारी वकीलों के मामले में अक्सर माना जाता है कि राजनीति से प्रेरित होकर उनकी नियुक्तियाँ होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को कहाँ तक कम करने का प्रयास किया? मैं बता दूँ आपको, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही निर्देश दिए थे कि मेरिट के आधार पर हम अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेंगे, उसी आधार पर हम नियुक्त करेंगे। आपके पास एक विभाग वैकल्पिक ऊर्जा का भी है, तो सरकार यानी कि आप वैकल्पिक ऊर्जा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? चल, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को अभी तक जैसा इसके नाम से वैकल्पिक के रूप में जाना जाता रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को मुख्य ऊर्जा विभाग से भी बड़ा विभाग माना जाए, क्योंकि ऊर्जा विभाग बिजली कहीं न कहीं से अपने ईंधन से, अपने स्रोतों से उत्पादित करता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ने, आप अपने घर पर सोलर रूफटॉप के माध्यम से बिजली को उत्पादित करें और आपके यहाँ डबल मीटर लगेगा। एक जो सोलर एनर्जी से बिजली आप बनाने जा रहे हैं, वो बिजली जो अतिरिक्त होगी, मान लीजिए 2 किलोवाट का आपने पैनल अपने छत पर लगाया, आपने बिजली को 1 किलोवाट यूज किया, 1 किलोवाट की जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको हमारा ऊर्जा विभाग परचेज कर लेगा। हम मीटर लगाएंगे, वो ग्रिड पे बिजली चली जाएगी और रात में जो बिजली आपको ज़रूरत होगी जब मुख्य ऊर्जा विभाग से बिजली लेंगे आप, जो बचत की है उतनी आपने यूज किया, तब तो कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अधिक बिजली ली तो आपको बिल उतना अधिक वाला पेमेंट करना पड़ेगा, और आपकी अगर बिजली बच गई, आपने कम रात में बिजली लिया, तो आपको भुगतान ऊर्जा विभाग करेगा। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है और लागू कर दी है हमने, तो ऐसी योजना हमने उत्तर प्रदेश में लागू की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोएडा एक्सपो है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है, पूरे देश से लोग आते हैं, जो प्रकट मैदान के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, उसको हमने सौर ऊर्जा से पूरी तरह आच्छादित कर दिया है। और मैं आपको बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है, सौर ऊर्जा से आच्छादित होने के बाद वहाँ बिजली के बिल में 30% की कटौती आई है। आपके पास एक राजनीतिक पेंशन का विभाग है, तो क्या क्या अभी तक? राजनीतिक पेंशन विभाग में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको हम
राजनीतिक पेंशन जो अनुमन्य है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वो देते हैं, और इसके साथ ही साथ जो 1975 की इमरजेंसी के बाद जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो लोग जेल में रहे मीसा DIR में, उनको भी हम पेंशन देने का काम करते हैं। कुछ बढ़ोतरी की बातचीत चल रही है इन लोगों की पेंशन? नहीं, समय समय पर हम इसको बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे वेतन आयोग की सिफारिशें या अन्य विभागों की सिफारिशें आती हैं उनको हम लगातार बढ़ाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने बढ़ाया। अगर आपसे हम बात करें आपके विभाग की उपलब्धियों की इस पूरे कार्यकाल में, तो कौन कौन सी उपलब्धियाँ आपके तीनों विभागों में हैं? दरअसल हमारे पास सबसे बड़ी उपलब्धि जो न्याय विभाग में है कि हमने नए अदालतों की स्थापना की है, और सरकारी जो हमारे पक्ष हैं उसमें पैरवी अच्छे हो उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जो सरकार पैरवी कर रही है उसमें अपराधियों को हम जेल भेज रहे हैं, उन पर सजा दिलाने में कामयाब। अगर हम इन टोटलिटी की बात करें, जो सरकार का 100 दिन पूरा हो चुका है, आप चूँकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रमुख मामलों में आपका हस्तक्षेप और आपकी राय भी ली जाती है, तो क्या उपलब्धि रहे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अगर आप पूरा तरह से देखें कि समवेत ढंग से कौन सी उपलब्धियां हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों का ऋण माफ़ किया, जो ऐतिहासिक है, अपने संसाधन से माफ़ किया, हमने किसी से सहायता नहीं ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि कोई भी मंत्री कोई भी विधायक अपने आवासों में सरकारी धन का अपव्यय नहीं करेगा, हम लोगों ने तय किया नहीं करेंगे, और आज मुझे खुशी है कि अपने संसाधन से हमने अपने किसानों का ऋण माफ़ किया। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इसी उत्तर प्रदेश में बिजली के ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो महीनों लगता था, माननीय मुख्यमंत्री तय किया कि शहरों में 24 घंटा गांव में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, और बिजली में जो BIP जिले थे, उत्तर प्रदेश में 4-5 BIP जिले होते थे, इटावा, मैनपुरी, 2-4 और जिले हो जाते थे, रामपुर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये BIP की जो एक गतिविधि उत्तर प्रदेश में उसको समाप्त कर दिया, सभी जिलों को BIP मान लिया, सभी जनपद मुख्यालयों को जो उत्तर प्रदेश में हैं सभी को हम 24 घंटा बिजली देंगे, तहसील को हम 22 घंटा बिजली देंगे, गांव को 18 घंटे बिजली देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से तय किया। ऐसी ढेर सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लागू की हैं, चाहे परिवहन के दिशा में हो, सभी तहसील मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर के सभी ग्राम पंचायतों को हमने परिवहन सेवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश रोडवेज से सीधे डायरेक्ट जोड़ने का काम किया है। सरकार बनते ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अपराध मुक्त करना, कि कहीं न कहीं अपराधों को रोकने में पूरी तरीके से सरकार वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया जो अपेक्षा करती सरकार। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार को बने अभी 3-4 महीना 4-5 महीना चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लगातार चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में गंभीर आदेश भी दिए हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, पिछली सरकार और इस सरकार में अंतर यह है कि जब थाने में अपराधी गिरफ्तार होता था, पिछले सरकार के लोग अपनी पार्टी का झंडा लगाकर थाने पर हमला करते थे, अपराधी को छुड़ा ले जाते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी विधायक, कोई भी माननीय सांसद, कोई भी मंत्री या कोई भी पदाधिकारी अपराधियों के समर्थन में नहीं खड़ा है। अगर अपराधी चंगुल में आएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ब्रजेश जी, वैसे तो ट्रैफिक समस्या पूरे प्रदेश में है, लेकिन लखनऊ में ट्रैफिक समस्या हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, आप लखनऊ से हैं, इस पर क्या कार्रवाई? सर, लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम सब लगातार चिंतित हैं। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था तो एक तो विभिन्न जनपदों से हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हर महीने आकर के और रहते हैं चले जाते हैं, इसके साथ साथ अभी मेट्रो का निर्माण हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक ट्रैफिक समस्या से बड़ी मतलब कारण है जिसके कारण ट्रैफिक अस्त व्यस्त है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही बैठक में कहा है कि किसी भी प्रकार से जो हमारे महानगर हैं उनकी ट्रैफिक समस्या को निस्तारण किया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का भी गठन किया है। ब्रजेश जी, एक समस्या है और एक काफ़ी चर्चा भी रहती है कि जब हम नियमों कानून की बात, जब हम दिल्ली जाते हैं तो नियम कानून पालन करते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं गाजियाबाद तक की सीमा पर रहते हैं तो ना हम बेड लगाते हैं बिल्कुल फ्री को, और जहां हम दिल्ली में प्रवेश करते हैं वहां सब नियम कानून पालन। मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है इसमें गंभीरता काफ़ी लिया है, तो ये पूरा पकड़ क्या है? मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि दिल्ली की तरफ पे उत्तर प्रदेश में लोग नियम कानून का पालन करें, और ट्रैफिक में आपको बहुत जल्द सुधार दिखेगा। ब्रजेश जी, 3 तलाक का मुद्दा था, काफ़ी चर्चित रहा है, विधि विभाग से संबंधित है, एक रिजल्ट आया, उसमें आप क्या कहें? माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सब स्वागत करते हैं, और हमारी आधी आबादी को जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं उन महिलाओं को जिनकी एक बहुत लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी, कई पीढ़ियां गुजर गईं, आज तो अखबारों ने लिखा कि 1400 साल बाद महिलाओं को सम्मान मिला है, हम उन महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हैं। BRD कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मौत हो गई, क्या कहेंगे? पूरा प्रकरण भ्रष्टाचार के घेरे में नहीं आता था? ये विषय दूसरा है, अखबारों में गलत ढंग से आया है, और
आपको अच्छी तरह पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंसेफ्लाइटिस के प्रति किस ढंग से चिंतित है। मैं आपको बता दूं, आज के लगभग 15-20 साल पहले इंसेफ्लाइटिस को कोई जानता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट के हर सत्र में इस बात को उठाया। देखिए, इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बीमारी के लिए जितना संघर्ष किया शायद ही राजनीति किसी व्यक्ति ने किया हो, लेकिन हम बात भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, किसी भी दोषी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल आपके जन्मदिन के आता है कि आपका जन्मदिन जून में मनाया जाता है, क्या वास्तव में सत्यता क्या है कि आप... मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाता, दरअसल जो हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा वो जून लिखा हुआ है। हम लोग जिस पीढ़ी में पैदा हुए तो उसमें पिताजी जुलाई में स्कूल ले जाते थे और उसी दिन उसको 5 साल का बच्चा मान लिया जाता था, तो सामान्यतः हमारी पीढ़ी के लोगों की जन्मतिथि जून या जुलाई है या जनवरी होगी। उस दशा में मेरी जो जन्मतिथि लिखी है वो गांव की व्यवस्था के अनुसार तत्कालीन समय लिखी गई थी और कुंडली के हिसाब से तो जो मुझे भी ज्ञात नहीं है, अम्मा कभी कभी बता देती हैं कि आज कुंवार की अष्टमी को तुम्हारा जन्मदिन है, वो कभी कभी मुझे ज्ञात होता है। हम भी माने कि जो जन्मतिथि लिखी गई है आपकी वो गलत है। हाँ, वो गलत क्या, उस मैं ऑन पेपर तो गलत नहीं कह सकता, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो पहले पूर्व में व्यवस्था थी उसके तहत वो सही लिखी है। एक अंतिम सवाल, जिंदगी की बड़ी आपने संघर्षपूर्ण एक राजनीतिक पारी खेली है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कोई ऐसा लम्हा जब आपको लगा है सब कुछ मिल गया और कोई ऐसा लम्हा जब आप दुखी हुए? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उन्नाव से लोकसभा सांसद था और शुक्लागंज से गुजर रहा था और शुक्लागंज के रेलवे पुल पर बड़ी जाम था। वहाँ पर रेलवे पुल और जो हमारी गाड़ियों का पुल है एक ही रास्ते पर है, नीचे रेलवे का पुल है ऊपर गाड़ियों का पुल है, और एक बुजुर्ग की इस हालत में था कि उसकी सांसें अंतिम थीं और जाम के कारण वो लगता था कि दम तोड़ देगा, और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि उस बुजुर्ग ने जाम के कारण अपना दम तोड़ दिया। मैं वापस आया लखनऊ आकर के, हमने तत्काल पत्र लिखा और उस पुल को सेंक्शन कराया। आज मैं कह सकता हूँ कि शुक्लागंज में जब मैं गुजरता हूँ और उस पुल से जब कानपुर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन के सबसे बड़े खुशी का दिन है। उस पर पुल से कानपुर पार करने पे मुझे लगता है कि जीवन में मुझे वो सब कुछ मिल गया। हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को 3-3 घंटे कानपुर जाने के लिए जाम में रहना पड़ता था, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनें जो प्रसव पीड़ा से कराहती रहती थी 3-3 घंटे जाम में रहती थी, मुझे वो सब मिल गया जो मैं कानपुर के पुल को चढ़ करके अपनी प्रसन्नता को पाता हूँ। मुझे बहुत ही असीम प्रसन्नता होती है उस समय, और दुख सबसे बड़ा वो था जब बुजुर्ग को मैंने अपने आँखों के सामने जाम में मरते देखा। ब्रजेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ब्रजेश पाठक जी। इनका कहना है कि अब लोगों को न्याय में देरी नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे के खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा प्रणाम।